जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आद्य एग्रीकल्चर ऑफिशियल। आज हम क्रॉप प्रोडक्शन फसल उत्पादन को जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। इसमें हम पहली खेती पढ़ेंगे, धान की खेती। सामान्य परिचय के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे कुछ मित्रों ने जो है कहा है BSCG कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि पहले जो है हमें खेती सारी जो है पढ़ा दीजिए, उसके बाद कुछ पढ़ाइए, ठीक है। तो इसमें पहली खेती है धान की खेती। तो बात करते हैं सामान्य परिचय की। बोटेनिकल नेम होता है धान का ओराइजा सेटाइवा। आप इसे हिंदी में लिख लीजिएगा, जो हिंदी मीडियम के छात्र हों वो हिंदी में लिख सकते हैं, ठीक है। अब फैमिली की बात करें तो इसकी फैमिली जो होती है वह ग्रैमिनी या पोएसी होती है। ग्रैमिनी का ही नया नाम पोएसी है, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो क्रोमोसोम नंबर यानी गुणसूत्र संख्या इसमें 2 = 24 होती है, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं ओरिजिन प्लेस की। तो जो धान का ओरिजिन प्लेस होता है उसे साउथ ईस्ट एशिया माना जाता है, ठीक है। साउथ ईस्ट एशिया इसका ओरिजिन प्लेस माना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं एरिया एंड प्रोडक्शन की। अगर इसके टोटल कल्टीवेशन एरिया की बात करें तो इसका टोटल कल्टीवेशन एरिया 164.19 मिलियन हेक्टेयर है पूरे विश्व में, ठीक है। इन द वर्ल्ड अगर एरिया की बात करें तो एरिया में जो है नंबर वन पे आता है हमारा इंडिया, फर्स्ट इंडिया। और सेकंड नंबर पे कौन आता है, तो सेकंड पर आता है चाइना, ठीक है। एरिया के मामले में सेकंड नंबर पे आता है चाइना और फर्स्ट नंबर पर आता है इंडिया। अगर वहीं हम प्रोडक्शन की बात करें कि प्रोडक्शन में यानी कि उत्पादन में कौन सा जो है देश सबसे आगे है, तो धान के प्रोडक्शन में जो है चाइना सेकंड नंबर पर आता है, इंडिया सेकंड नंबर पर आता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, यह जो है अगर बात करें विश्व में इन वर्ल्ड राइस जो है धान, यह सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप है, ठीक है। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप है। तो फर्स्ट कौन सी है, तो फर्स्ट है वीट यानी कि गेहूं क्या है, फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप विश्व में बात कर रहे हैं, ठीक है। मतलब वर्ल्ड में सेकंड नंबर पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप कौन सी है, राइस, और फर्स्ट नंबर पर कौन सी है, वीट यानी कि गेहूं। नेक्स्ट बात करते हैं इन इंडिया, अगर भारत में बात करें इन इंडिया पहले नंबर पर कौन है, तो इन इंडिया भारत में जो है फर्स्ट नंबर पर आती है राइस, राइस जो है पहले नंबर पर आती है, और सेकंड नंबर पर कौन सी क्रॉप आती है, वह है वीट। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब बात करते हैं इसकी कुछ स्पीसीज की, ठीक है। तो राइस जो है इसकी टोटल स्पीसीज जो है, अच्छा स्पीसीज टोटल स्पीसीज, तो राइस की टोटल स्पीसीज जो है 24 पाई जाती है। कितनी, 24। जैसे हमने भी ऊपर बताया था ओराइजा सेटाइवा जो है राइस का साइंटिफिक नेम या बोटेनिकल नेम होता है, तो ओराइजा जो है इसका जीनस है और सेटाइवा जो है इसकी स्पीसीज है। तो सेटाइवा के स्थान पर कौन कौन सी स्पीसीज आ सकती हैं, उन्हीं जो है टोटल जो है 24 है, ठीक है। अब बात करते हैं 24 को भी जो है दो वर्गों में बांटा गया है। एक तो 7 जो है टेट्रापोलाइड स्पीसीज है, 7 स्पीसीज जो कि टेट्रापोलाइड है, जो ये 7 टेट्रापोलाइड स्पीसीज हैं, ये 7 तो जो है वाइल्ड स्पीसीज हैं यानी कि इनकी खेती नहीं की जाती है,
वाइल्ड स्पीसीज। आप हिंदी में लिख लीजिएगा जंगली प्रजातियां, ठीक है। अनिष्ट, अब 7, 24 में से 7 गएंगे तो 17 स्पीसीज बची। तो जो 17 स्पीसीज हैं ये जो है डिप्लॉयड है, यानी कि द्विगुणित है, डिप्लॉयड है। अब 17 स्पीसीज में से केवल 2 ऐसी स्पीसीज हैं जो कि कल्टीवेटेड है, 2 कल्टीवेटेड स्पीसीज, ठीक है। केवल 2 ही स्पीसीज इसमें ऐसी हैं जो कल्टीवेटेड है, यानी कि जिनकी खेती की जाती है। कौन कौन सी हैं? वो है ओराइजा सेटाइवा, सेटाइवा, और दूसरी स्पीसीज है ओराइजा ग्लेबिरेमा, ग्लेबिरेमा, ठीक। जो ओराइजा सेटाइवा है इसकी फिर जो है 3 सब स्पीसीज हैं। ओराइजा सेटाइवा की जो है 3 सब स्पीसीज हैं, 3 सब स्पीसीज। कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ कल्टीवेटेड की जाती है, उनका अन्य नाम क्या है, आगे देखते हैं, ठीक है। पहले इसमें सब स्पीसीज आती है ओराइजा सेटाइवा इंडिका, और दूसरी सब स्पीसीज आती है ओराइजा सेटाइवा जेपोनिका। नेक्स्ट स्पीसीज आती है तीसरे नंबर पे ओराइजा सेटाइवा जवानिका। अब इनकी, इनका जो है कल्टीवेशन कहाँ कहाँ किया जाता है और इनका अन्य नाम क्या है, आगे देखते हैं, ठीक है। तो जो ओराइजा सेटाइवा इंडिका है यह मेनली जो है इंडिया में ग्रो किया जाता है। कहाँ पर? इंडिया में जो है इसकी खेती मेनली की जाती है। और इसका अन्य नाम क्या है? तो इसका अन्य नाम है ट्रॉपिकल राइस, ठीक, ट्रॉपिकल राइस। और नेक्स्ट बात करते हैं ओराइजा सेटाइवा जपोनिका की। तो जपोनिका जो इसकी सब स्पीसीज है तो यह मुख्यतः जो है जापान में कल्टीवेटेड की जाती है, जापान में, ठीक है। इसे जो है सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल या टेम्परेट राइस भी कहा जाता है, टेम्परेट राइस भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ओराइजा सेटाइवा जवानिका। तो जवानिका की जो है मुख्यतः खेती कहाँ की जाती है? इसकी खेती मुख्यतः इंडोनेशिया में की जाती है। यह इसे वाइल्ड राइस कहते हैं, ठीक है, यह वाइल्ड राइस है। और इसे बालू राइस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक, बालू राइस। अब आपको स्पीसीज तो समझ में आ गए होंगे, इसके आगे जो है थोड़े और कॉमन पॉइंट पढ़ लेते हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे अगर पूछा जाए कि राइस का जो है फल प्रकार क्या होता है, राइस का जो है फ्रूट टाइप, पहले पढ़ लें फ्रूट टाइप, यानी कि फल प्रकार क्या होता है, तो इसका फल प्रकार जो होता है वह कैरियोप्सिस होता है। क्या होता है? कैरियोप्सिस, हिंदी में भी दिल लिख दे रहे हैं कैरियोप्सिस। नेक्स्ट है इसके इनफ्लोरोसेंस को क्या कहते हैं, इनफ्लोरोसेंस को क्या कहते हैं, यानी कि पुष्पक्रम को क्या कहते हैं, तो इसके पुष्पक्रम को जो है पेनिकल कहा जाता है, ठीक, पेनिकल। अच्छा, इनफ्लोरोसेंस होता क्या है? तो जो फ्लावरिंग पोर्शन होता है, फ्लावरिंग पोर्शन ऑफ द प्लांट, ठीक है, उसे जो है पेनिकल कहा जाता है। जो भी किसी भी प्लांट का फ्लावरिंग पोर्शन होता है उसे पेनिकल कहा जाता है, यानी कि पुष्पक्रम कहा जाता है। अब बात करें कि इसके पॉलिनेशन टाइप की, तो यह एक सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। कैसी है? सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। नेक्स्ट बात करें, यह शॉर्ट डे प्लांट है कि लॉन्ग डे प्लांट है? तो यह एक शॉर्ट डे प्लांट है,
शॉर्ट डे प्लांट है। ये किस सीजन की क्रॉप है? तो यह लिख दीजिए खरीफ सीजन की क्रॉप है, ठीक है, खरीफ सीजन की। मोस्टली जितनी भी खरीफ सीजन की क्रॉप होती हैं वह शॉर्ट डे प्लांट के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, यह C4 प्लांट की C3 प्लांट है, तो यह C3 प्लांट है। मैं आपको एक टेक्निक बताया दे रहा हूँ जिससे शायद आप C3 और C4 प्लांट में कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। जितने भी प्लांट की पत्तियाँ छोटी होती हैं और मांसल नहीं होती हैं तो वे सारी जो है C3 प्लांट के अंतर्गत आती हैं, और जितने भी प्लांट की पत्तियाँ जो है बहुत बड़ी होती हैं, जैसे मान लीजिए कि मक्का हो गया और गन्ना हो गया, इनकी जो है पत्तियाँ बड़ी होती हैं, ठीक है, तो ये C4 प्लांट के अंतर्गत आएगा, ठीक, C4 प्लांट के अंतर्गत। या मान लीजिए याद करने के लिए तो लगभग सही ही रहेगा अगर आप इस तरीके से लगाएंगे, अगर कहीं ऑप्शन मिल गया तो, बाकी जो है याद कर लीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट है, अगर बात करें कि धान में टेस्ट वेट कितना होता है, टेस्ट वेट यानी कि परीक्षण भार, तो धान में जो परीक्षण भार होता है वह 25 ग्राम होता है, धान का परीक्षण भार। अब टेस्ट वेट होता क्या है? टेस्ट वेट होता है वेट ऑफ 1000 ग्रेन, यानी कि 1000 दानों का वजन जो है वह टेस्ट वेट कहलाता है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम आता है, क्वेश्चन यहाँ से आता है कि बासमती राइस का जो है टेस्ट वेट क्या होता है, बासमती राइस का टेस्ट वेट क्या होता है, कई एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो बासमती राइस जो है जो सामान्य धान होता है उससे छोटा होता है, तो इसका टेस्ट वेट जो है 21 ग्राम होता है, ठीक, 21 ग्राम। SR कांटवा की बुक अगर आप सॉल्व करेंगे तो लगभग जितने में क्लास करा दे रहा हूँ इससे सारे क्वेश्चन जो है आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर बात करें कि जो बासमती राइस होता है इसमें एरोमा यानी सुगंध किसके कारण आती है, एरोमा, तो बासमती राइस जो होता है या कोई ऐसा नॉर्मल राइस है उसमें जो सुगंध आती है वह एक कंपाउंड डाई एसिटाइल वन प्रोपेनिल के कारण जो है आती है, ठीक है, प्रोपेनिल के कारण जो है चावल में सुगंध आती है। नेक्स्ट बात करें कि अगर हम राइस का कंजप्शन कर रहे हैं तो इसमें न्यूट्रिशन यानी कि पोषण हमें कितना प्राप्त होता है, तो राइस में अगर पोषण की बात करें, न्यूट्रिशन की, तो इसमें प्रोटीन की बात करें, अगर प्रोटीन हमें जो है इसमें 6 से 7% मिलता है, ठीक है। और जो ये प्रोटीन पाई जाती है धान में वह किस फॉर्म में होती है, वह ओराइजिन फॉर्म में होती है, ओराइजिन, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर इसमें फैट परसेंटेज की बात करें कि फैट परसेंटेज कितना पाया जाता है, तो इसमें फैट परसेंटेज 2 से लेकर 2.5% पाया जाता है, अगर ऑप्शन में कहीं कहीं 3 भी मिल जाता है तो वो भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट है कि कार्बोहाइड्रेट इसमें कितना पाया जाता है, अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो धान में कार्बोहाइड्रेट जो है 70% पाया जाता है, जितनी भी सीरियल्स क्रॉप होती हैं लगभग उसमें 70% की समथिंग जो है कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ठीक है, कुछ को छोड़कर। नेक्स्ट बात करते हैं इसके स्टेम को क्या कहते हैं, स्टेम को, तो इसके स्टेम को जो है कलम या हल्म कहा जाता है, कलम या हल्म कहा जाता है। स्टेम यानी कि तना, इसके तने को जो है कलम कहते हैं या हल्म कहते हैं साइंटिफिकली, ठीक है। अब बात करते हैं राइस और पैडी में क्या अंतर है, ठीक है, राइस और पैडी में क्या अंतर है। देखो राइस जो होता है वह उसमें जो है छिलका नहीं माना जाता है, ठीक है, जो छिलका रहित होता है उसे राइस कहते हैं, ठीक, छिलका रहित। और जो पैडी होता है, पैडी में जो है राइस तो होता ही होता है, यानी कि चावल होता ही होता है, उसके साथ में जो है ग्लूम्स भी होते हैं यानी कि छिलका भी होता है, ग्लूम्स यानी कि छिलका भी होता है। ग्लूम्स मिलकर किससे बने होते हैं, तो यह लेमा और पेलिया से मिलकर बने होते हैं, आगे ये जो है आप क्रॉप इम्प्रूवमेंट में पढ़ेंगे, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट क्लास थी, इसमें हमने जो है राइस का इंट्रोडक्शन पढ़ाया है, नेक्स्ट क्लास में हम वैराइटीज पढ़ा देंगे, ठीक है, उसके बाद उसका कल्टीवेशन सीड रेट कितनी होती है, कैसे क्या है, उसके बाद उसकी बीमारियाँ और उसमें कौन कौन से कीट लगते हैं, ये सारा हम कवर करा देंगे, ठीक है। थैंक यू।